हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे यहाँ पर आपका हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक क्लास आपकी फिक्स हो चुकी है, आपकी डेली क्लास हो गई है और डेली आपकी हमेशा से हो भी रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर में बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना आप लोगों का स्कोर यहाँ पर जा सकता है। यहाँ पर देखते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन में, और जिसमें से क्वेश्चन गलती होता है तो आप लोग -1/3 जो आपका है माइनस मार्किंग है तो आप लोग काटते चले गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, हिंदी भारत की है, सही विकल्प आपको चुनना है। तो चलिए बताइएगा कि हिंदी कैसी है, यहाँ पर देना है कि हिंदी आपकी कैसी है। तो हिंदी जो आपकी है, आपकी ये राजभाषा है। कैसी है? राजभाषा आपको लगाना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, सभी का जवाब राइट हुआ बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, कथित शब्द का विलोम आपको बताना है। चलिए, कथित का विलोम मतलब कहना हो गया और अकथित हो जाएगा, तो मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बन जाएगा सी हो जाएगा। अकथित आपका हो जाएगा सी नंबर, जो कि यहाँ पर सभी के 2 नंबर यहाँ पर आपके सही हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस किताब में किया गया। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिला भी है ना, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस किताब में किया गया, तो लल्लू लाल ने किया था, लल्लू लाल प्रेम सागर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को बताइएगा कि नीचे दिए गए शब्दों में किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण, गुण जो आपके होते हैं क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा, दानी, न्यायी और आपका कृपालु। मतलब यहाँ पर जो आपके कैसे हैं, तो आपका जवाब सी हो जाएगा, गुण बोधक हैं। कैसे हैं? गुण बोधक हैं। किसी व्यक्ति के अंदर अच्छा, दानी, ज्ञानी सब क्या है, अच्छे गुण है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। सभी लोग ऐसे ही बनिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो चलिए कह रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिरी है ना, पेड़ से पत्ता गिरी नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका डी, पेड़ से पत्ता गिरा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सन 2001 में कथाकार सजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया। नया क्वेश्चन है, नोट करिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा कि इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया, किसे? सजीव को। और इनकी कथा आपका जवाब हो जाएगा सी, जंगल जहाँ शुरू होता है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अबलौ नशानी अबला नसीहो है ना, यहाँ पर पूछा आपका रस कौन सा है, तो जो आप पूरी आपने कविता पढ़ी होगी तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा शांत रस। क्या? शांत रस में उदाहरण आपको यही देखने को मिलता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, वो अलंकार आपको बताना है। यहाँ पर पूछा है अलंकार कौन सा है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, ये एक पंक्ति जो आप कह सकते हैं काफी बड़ी लाइन में आपकी होती है, जब आपके सामने पूरी होती है तब यहाँ पर आपका होता है रूपक अलंकार। क्या? इसके पहले भी मॉडल पेपर हमने बताया था, यह जीवन क्या निर्झर, इसमें क्या यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, यह जीवन क्या निर्झर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सही वाक्य का चुनना है। यहाँ पर देखो, बैल और बकरी घास चरती हैं, नहीं, बैल और बकरी घास चरते हैं, कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर भी बैल और बकरी घास चरते हैं, आपका जवाब लॉक किया जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, याचना शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। चलिए, याचना का बहुवचन आपको बताना है, याचना का बहुवचन, तो चलिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, मतलब आप लोगों ने बहुत ही होशियारी के साथ अपने नंबर बचा लिए हैं, नहीं तो आपकी माइनस मार्किंग हो जाती। याचना का बहुवचन याचना ही होता है। क्या? याचना का बहुवचन याचना होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी लोग जवाब यहाँ पर याचनाएँ दे रहे हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपको भी लगाना है। गूगल में भी सर्च करेंगे तो 5 जगह आपको याचनाएँ देगा और आपका जो पूछे गए प्रश्न है ना, क्वेश्चन है, तभी आपको पता चलेगा कि याचना का याचना होता है। मान लीजिए किसी से, क्या, अगर आप किसी से याचना कर रहे हैं तो याचना का याचना ही कहेंगे, याचना नहीं कहेंगे। यूज अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, जबरदस्ती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, याचना का याचना ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे बालक का निम्न में से पर्यायवाची शब्द है। बालक का पर्यायवाची, तो देखिए बालक का पर्यायवाची क्या होता है 11 नंबर में,
यहाँ पर दिया है साग पात, तो भाई साग पात ये साफ सब्जी का होता है, ये तो आपका होगा नहीं, है ना। फिर यहाँ पर आपका दिया है भात दिया गया है, सेवार दिया और आपका चित्रक दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आपका नहीं है। बालक का जो होता है, शिशु होता है, बालक होता है, ये होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है नीलकंठ के शब्द का पर्यायवाची है, नीलकंठ के शब्द का पर्यायवाची है, यहाँ पर 12 नंबर जवाब देना है 12 नंबर में। तो देखिए नीलकंठ की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो चंद्रमा है, नीलकंठ श्री कृष्ण दिया है, मोर दिया है और आपका दिया गया है आपका मृग, तो 12 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका मोर हो जाएगा, क्या ऑप्शन सी मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, है ना। टट्टू शब्द का बहुवचन आपसे पूछा गया है, टट्टू का बहुवचन क्या होता है, टट्टू का बहुवचन होता है यहाँ पर टट्टुओं, कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी टट्टुओं हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही शब्द आपको चुनना है, यहाँ पर दिया है कवित्री, तो देखो कवित्री तो गलत हो गया, है ना, क्योंकि वी में मात्रा आपकी होती नहीं है। फिर दिया है उपरोक्त दिया है, उपरयुक्त होता है, ये भी गलत हो गया। उज्जवल जो आपका दिया है ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आपका दिया है गद्यांश, और गद्यांश में क्या दिया है, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों तथा स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो, है ना, ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे वह उसका देश सूखा हो, गर्म हो, दलदल से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी भी आकर्षक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह तो अपनी मातृभूमि के प्रति मनुष्य मात्र ही स्वाभाविकता मानता है। मानव ही नहीं पशु पक्षियों तक को अपने देश से प्रेम होता है। संध्या समय, मतलब यहाँ पर जो दिया गया है मानव से प्रेम के बारे में दिया है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसके क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए 15 नंबर में दिया है कि देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है, किसमें विद्यमान है, तो यहाँ पर विद्यमान है सभी प्राणियों में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सच्चा देश प्रेमी कौन कहलाता है, सच्चा देश प्रेमी क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है 16 नंबर में। चलिए वीर सपूतों की कहानियां सुनाता है, मातृभूमि का जय घोष करता है, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता है। तो भैया यहाँ पर देखो काफी लोग डी दे रहे हैं कि अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता है, तो ऐसा तो आपका नहीं होगा, है ना, यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें से ही आपको ज्ञान दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है देश प्रेम से अभिप्राय क्या है, देश प्रेम का मतलब होता है कि देश के प्रति व्यक्ति का जो स्वामित्व महत्व है वो आपका क्या है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर। अगला दिया है वही देश मान है जहाँ के लोग क्या होते हैं, जहाँ के लोग क्या होते हैं, त्यागी होते हैं, बलिदानी होते हैं, त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं, वही देश मान होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके रहेगा गद्यांश में, जो कि आप आसानी से कर सकते थे। चलिए यहाँ पर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 में कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए ब्राह्मी जो कि विश्व की सबसे पुरानी लिपि में मानी जाती है, और इसकी माध्यम से आपके देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, चलिए जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर सधवा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इस जयद्रथ वध किस लेखक की पुस्तक है, जयद्रथ वध किस लेखक की कृति है, यहाँ पर आपको बताना है, और हमने आपको कई बार आपको मॉडल टेस्ट पेपर में भी और ऐसे भी आपको सॉल्व करा दिया है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी मैथिली शरण गुप्त, आपका जवाब राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीन लोक से मथुरा न्यारी, मतलब बताइएगा इसका अर्थ क्या निकलेगा, कह रहा तीन लोक से मथुरा न्यारी, तो कह रहा बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, तो चलिए साथियों जवाब दीजिएगा कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी और कुछ लोगों ने जवाब दिया है, फाइनली यहाँ पर आपका दिया है सी, आपका अभियुक्त कहते हैं। तो याद रखिए जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम लोग अभियुक्त कहते हैं। राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, तो 23 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विदित ने अपने मित्रों से कहा उसको उदित की गेंद चाहिए, मतलब देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठ गया है, है ना, पहला ही ऑप्शन इसमें से सटीक बन गया है, ऑप्शन ए को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपमेय उपमान साधन धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं, हमने आपको बताया था कि आपके उपमा अलंकार के चार आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं उपमेय मिलेगा,
उपमान मिलेगा साधन धर्म भाव का वाचक। अगर ये चार गुण आपके विद्यमान होते हैं तो समझिएगा कि क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार बनेगा, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला है कि हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है। चलिए यहाँ पर 26 नंबर में हिंदी साहित्य का नवा रस पूछा गया है। हमने बताया था कि यहाँ पर जो नवा रस है वो आपका शांत रस है ना, कौन सा शांत रस हो जाएगा, क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है, जिसमें से नवा रस जो आपका है वो आपका शांत रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि सही संधि विच्छेद का चयन करना है। अब यहाँ पर आपका उल्लेख का संधि विच्छेद करना है, किसका, आपके उल्लेख का करना है, तो बनेगा क्या उत्तधनलेख, कौन सा ऑप्शन बी उत्तधनलेख आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेमेल को चयनित करना है। यहाँ पर देखो अमृत, पीयूष, सुधा और लोचन, मतलब यहाँ पर आपका अमृत का पर्यायवाची पीयूष आपका सुधा भी होता है, लेकिन लोचन जो होते हैं ये आपके आँख का होता है, चक्षु का होता है, मतलब आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल की चयनित करना है, यहाँ पर बेमेल कह रहा है दोष दिया है, परिवार दिया है, निंदा दिया है और आपका बुराई दिया है, समझ गए ना इस प्रश्न में। यहाँ पर दोष वही चीज़ है जो निंदा है और जो बुराई है, लेकिन यहाँ पर परिवार जो आपका है ये आपका इसमें से अलग हो जाएगा, बी नंबर जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेमेल को चयनित करना है। सौरभ, इलाज, पंकज और आपका कंज 30 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 30 नंबर में वो आपका कौन सा बन जाएगा। चलिए सौरभ दिया है, इलाज दिया है, पंकज दिया है और आपका यहाँ पर कंज दिया गया है, तो क्या इनमें से बेमेल हो सकता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी इलाज, इनमें से आपका अलग हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है, इनमें से कौन सा काल हो जाएगा। चलिए 31 नंबर लॉक करिएगा, 31 का जवाब इनमें से सही क्या बन जाएगा, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कदाचित लगा दिया है ना, कदाचित का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर क्या संदिग्ध भूतकाल तो हो नहीं सकता है ना, यहाँ पर वर्तमान दिया है लेकिन यहाँ पर भविष्य दिया है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शीशम शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, मतलब शीशम इस शब्द का लिंग क्या है, शीशम क्या है, ये पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है, क्या आप कहोगे शीशम कैसी है कैसा है, तो यही बोलोगे ना शीशम का पेड़ कैसी है कैसा है, क्या बोलोगे कैसा है कैसा, इसका मतलब आप लोग क्या जवाब दोगे 32 नंबर में, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा पुरलिंग, क्या शीशम कैसा है, तो आपको जवाब देना है ये नंबर पुरलिंग है ना, हमेशा यही कहोगे और कुछ नहीं कहोगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खटाई में पड़ना मोहरे का अर्थ क्या होता है। चलिए खटाई में पड़ना मोहरे का अर्थ मतलब होता है क्या कि झमेले में पड़ना, क्या झमेले में पड़ना, अब ऑप्शन में झमेला तो नहीं दिया है लेकिन इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर पॉइंट भी दे दिया गया है, पछतावा तो होगा नहीं लेकिन बहुत कष्ट भी नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए ऑप्शन बी कि झमेला जो होता है निर्णय ना होना, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी निर्णय ना होना है ना, ऑप्शन क्या बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग आपको बताना है, बिल्ली का शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो चलिए बिल्ली का बिल्ला तो होगा नहीं, बनेगा क्या बिलाव होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उन्नत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नति शब्द का विलोम और उन्नति का विलोम क्या होता है, हमेशा से याद रखिएगा जब भी अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वह का प्रयोग करके उसका विलोम बनाया जा सकता है, औन्नत किया जा सकता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ाते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। चलिए 36 वाले में देखना है इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर राइट किसका किसका आ सकता है, तो 36 का यहाँ पर काफ़ी विद्वान साथी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 36 वाले में यहाँ पर आपका ए नंबर, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किसका सही हुआ किसका गलत हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो लोग लगा रहे हैं अव्ययी भाव तो लगेगा नहीं है ना, यहाँ पर सुपुरुष का मतलब होता है अच्छा पुरुष, क्या सुपुरुष का मतलब होता है अच्छा पुरुष, और ये आएगा किसमें कर्मधारय समास में आएगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी नंबर आपका होगा सी नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी विद्या के लिए अर्थी होता है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से रूढ़ शब्द आपका कौन सा है, रूढ़ शब्द दिया है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनका खंडन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, और खंडन किसका नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर दिया मलयज, जलयज, पंकज और आपका वैभव, वैभव का खंडन नहीं करेंगे, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 38 नंबर में डी नंबर वैभव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, अब आधा लीटर जो आपका है भाई क्या है, गुणवाचक है या संख्या है,
तो भैया ये परिमाण है क्योंकि आधा लीटर दिया है, मतलब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा परिमाण वाचक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, हिंदी की मूल उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, यहाँ पर जवाब देना है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मगधी या सौसेन या भ्रंश। तो चलिए यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया है, मूल उत्पत्ति दे दिया गया है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल गया है। अगर पूछ लेता हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है तो आप आँखें मूंद कर दे देते, सौरसेनी से है। अब यहाँ पर आपके सामने दे दिया है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन में बदलाव आ गया है, मोड़ यहाँ पर आपका आ चुका है, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा। तो अभी भी समय है आप लोग सही करने का। तो देखिए यहाँ पर मूल उत्पत्ति है तो आपके वैदिक से है, तब आपको ऑप्शन यहाँ पर भी लॉक करना है, ठीक है ना। क्लियर है ना, समझ गए होंगे इस प्रश्न का पर आंसर क्या होगा, है ना। वैसे अगर होता है कि हिंदी की उत्पत्ति तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं सौरसेन या भ्रंश से मानी गई है, लेकिन यहाँ पर मूल शब्द लगा दिया है, मतलब कहीं ना कहीं इसका परिवर्तन आपसे जरूर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी होती है। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राम राम।